हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट टू करने वाले हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट वन के क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे जैसे मैं सेट आगे बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाता जाऊँगा और एक्सप्लेनेशन का जो अमाउंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा। एक बार आप लोग सेट हो जाएं, यकीन मानिए आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग का है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स और स्टेट, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द बेस्ट सिविल मटेरियल टू रेसिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन। तो देखिए सीवर में हम जानते हैं कि मोस्टली तीन गैस प्रोमिनेंट होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीन गैस प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो इनको, इनके साथ समस्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर मीथेन गैस है तो उसमें काफ़ी इनफ्लेमेबल होता है, और H2S गैस क्या करता है, सबसे बड़ी दिक्कत कि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, रस्टिंग को लीड करता है। और खास करके कंक्रीट का अगर सीवर है तो उसमें रस्टिंग, नॉट रस्टिंग बट उसमें डीके करता है। रस्टिंग तो स्टील में होता है, तो उसके इसमें कंक्रीट को कोरोड करता है अंदर से। तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा बेस्ट मटेरियल माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जनरली कॉन्क्रीट के होते हैं या फिर एस्बेस्टस शीट के होते हैं, और तीसरा टाइप होता है आपका विट्रीफाइड क्ले जिसे हम कहते हैं, या फिर स्टोनवेयर और सॉल्ट ग्लेज्ड सीवर। ये किससे बना होता है आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। विट्रीफाइड क्ले पाइप्स आर वाइडली यूज फॉर कैरिंग सीवेज एंड ड्रेनेज, द हाउस कनेक्शन एज वेल एज लिटरल सीवर। आपको यहाँ पे पूरा, मैंने पूरा मटेरियल ही यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। बाकी मैं ओवरऑल बताऊँ तो ये कौन सा होगा इसमें आंसर, ग्लेज्ड स्टोन वेयर, ग्लेज्ड स्टोन वेयर। अब एडवांटेज में देख लीजिए, द स्टोन वेयर पाइप्स आफ्टर द मैक्सिमम एडवांटेज इज बीइंग हाईली रेजिस्टेंस टू सल्फाइड कोरोजन। कॉन्क्रीट यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, एस्बेस्टस सीमेंट यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर हाईली प्रोन टू H2SO4 कोरोजन। दैट्स वाई इट इज मोस्टली यूज स्टोन वेयर पाइप्स। तो ग्लेज स्टोन वेयर पाइप्स, इसमें ग्लेजिंग होती है, देयर फॉर प्रेफर्ड फॉर कैरिंग पॉल्यूटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। खास करके जहाँ पे हमें पता है कि H2S की मात्रा ज़्यादा होने वाली है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या फिर काफ़ी हाईली पॉल्यूटेड है, केमिकल पॉल्यूशन है, इस केस में हम पाइप जो यूज़ करते हैं। अगर घर का सीवेज है तो उसमें इतना मात्रा नहीं होता H2S का, सो उस केस में हम कंक्रीट का सीवर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, हाईली पॉल्यूटेड हो, इन दैट केस वी कैन ओनली यूज दिस टाइप ऑफ मटीरियल सो दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी अटेंड। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सीट ऑफ अ पेपर इज मॉइस्टेन विद अ लेड एसीटेट होल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स इन अ मैन होल टर्न्स ब्लैक देन द सीवर सर्टेनली कंटेन्स। अब देखिए कोई भी सीवर लाइन में इंस्पेक्शन में जाने से पहले पहले टेस्ट हमें करना होता है उन्हीं तीनों गैस के लिए, H2S के लिए, CH4 के लिए, NO2 के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जनरली तीन गैसों के लिए हम टेस्ट करते हैं कि अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो हमें पहले प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो तीनों के लिए मैंने टेस्ट यहाँ पर अटैच कर दिए। कैसे पता लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कैसे पता लगाएंगे CH4? तो देखिए H2S गैस के लिए क्या तरीका है, डिटेक्टेड बाय एक्सपोजिंग अ सीट ऑफ पेपर मशीन विद लेड एसीटेट फॉर 5 मिनट्स नियर द सीवर एंट्री। जहाँ पे सीवर का मैन होल है वहाँ पे हम 5 मिनट के लिए रखेंगे एक पेपर का, पेपर को जो लेड एसीटेट से मशीन हो। इफ़ द पेपर टर्न्स ब्लैक द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इज इंडिकेटेड। इस तरह से हम पता लगाते हैं H2S गैस का। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता लगाते हैं, गैस में भी डिटेक्टेड बाय लोअरिंग अ माइनर सेफ्टी लैंप नियर द लेवल ऑफ सीवेज इन द मैन होल। इफ द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस विद इन 5 मिनट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंडिकेटेड। तो लैंप को हम नीचे अगर ले जाएंगे, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो लैंप अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे हम पता लगाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। इनडायरेक्टली हम ये पता लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है तो ऑक्सीजन अपने आप कम होगा। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस मे बी डिटेक्टेड बाई लोअरिंग द माइनर सेफ्टी लैम्प इन द अपर लेयर ऑफ द सीवर। अब इस केस में हमने क्या किया, लोअर लेवल में नियर द लेवल ऑफ सीवेज नीचे ले गए थे, इस केस में क्या करेंगे, अपर लेयर में ही रखेंगे। मीथेन गैस बिंग
लाइटर देन द एयर, क्योंकि मीथेन गैस लाइट होता है, तो मीथेन गैस ऊपर आता है बाकी एयर नीचे होता है, इज जनरली प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द सीवर. व्हेन द गैस इज प्रेजेंट इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर. अगर वहाँ पे गैस प्रेजेंट होगा तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर वहाँ पे एयर के साथ अपने को देखने को मिलेगा. एंड गैस सिलेंडर ऑफ द सेफ्टी लैंप गेट फिल्ड विद द फ्लेम. गैस सिलेंडर जो है वो फ्लेम के साथ भर जाएगा. द लैम्प शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली. जैसे ऐसा आपको दिखे तो आपको तुरंत लैम्प को बाहर निकाल लेना है. द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लेम विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मिथेन गैस इनसाइड द शीवर, राइट. तो ये तीनों का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया. अब ये जो तरीका है ये किसका तरीका है, हमने अभी देखा, ये H2S गैस के पता लगाने का तरीका है, राइट. बाकी सॉक्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है इमहॉफ कोन इज यूज टू मेजर. ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. इमहॉफ कोन टैंक जो है तो किसके लिए यूज करते हैं, तो टू मेजर द सेटलिएबल सॉलिड. अमाउंट ऑफ सेटलिएबल सॉलिड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इमहॉफ कोन टैंक. इसको आप रट जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया और इसमें कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं लिचेट इज ए लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ. लिचेट जो है एक लिक्विड होता है जो कि कहाँ से बाहर आता है. देखिए लिचेट क्या होता है, जहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं डंप यार्ड में, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उसमें मिक्स. गार्बेज के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकता है, मेडिसिन की कोई जो हमने वेस्ट फेंक दी है वो हो सकता है, प्लास्टिक है, अनयूज मेडिसिन, पेंट, इंसेक्टिसाइड, सैनिटरी नैपकिन. तो ये सब क्या है, ये सब आपस में मिलने लगते हैं बाद में. और काफ़ी समय के बाद जब बरसात का सीजन आता है तो जब पानी अंदर जाता है तो बाद में नीचे से क्या निकलने लगता है, कलर्ड वाटर. तो ये कलर्ड लिक्विड क्या कहलाता है, कलर्ड लिक्विड इज कॉल्ड लिचेट. तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये हाईली पॉइजनस होता है और पॉल्यूटेड होता है. तो अगर हाईली पॉल्यूटेड या फिर अगर हाईली डेंजरस है तो उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन्स होते हैं, ट्योलिन होता है, ज़ाइलिन होता है, ये सब होता है. इसलिए काफ़ी पॉइजनस भी होता है और काफ़ी पॉल्यूटेड भी होता है, काफ़ी डेंजरस भी होता है. इसलिए हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इसको हम, और इससे होता क्या क्या है बीमारी, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, ये सब हो सकता है. इसके लिए हम अगर ज़्यादा मात्रा में लीचेट आ रहा है बाहर तो उसके लिए हम प्रॉपर उसका साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करके फिर उसको डिस्पोज करते हैं, प्रॉपर मेथड है उसके लिए. तो ये कहाँ से आते हैं, जनरली सैनिटरी लैंडफिल जगहों से मिलता था हमें, ठीक है. सेप्टिक टैंक नहीं, कंपोस्ट प्लांट नहीं, एरेटेड लैगूंस नहीं, सैनिटरी लैंडफिल से, या फिर यहाँ पे सॉलिड वेस्ट लैंडफिल भी होता तो भी चलता. नेक्स्ट है नानी ट्रैप इज अ प्रोवाइडेड. नानी ट्रैप किसको बोलते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम ट्रैप समझते हैं क्या होता है. देखिए ट्रैप्स बेसिकली अगर शेप के आधार पर बात करें तो पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप होता है. तीनों यहाँ पे ट्रैप आपको दिख रहा होगा. ट्रैप बेसिकली क्या होता है कि जो फाउल गैसेस है जो हमने अभी डिस्कस किया वो गैस एयर में ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो पाइप के अंदर ही रहे, हम ट्रैप्स यूज करते हैं. और ट्रैप में बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है. तो ये वाटर क्या करता है, एक तरह से फिल्टर का काम करता है जो गैस को बाहर नहीं जाने देता है. तो गैस क्या करता है, ट्रैप करता है, इसलिए इसका नाम ट्रैप होता है. और ये जनरली ऐसे ही यू कॉल मैनोमीटर की तरह से बेंड होता है. अब देखिए शेप के आधार पे पी क्यू और एस कैसा होता है, अगर ये ऐसे गया तो इसको हम क्यू ट्रैप बोलेंगे जो शेप यहाँ पे है. अगर यही सीधा चला जाता तो इसको हम पी ट्रैप बोलते, और ये अगर ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाता तो इसको हम एस ट्रैप बोलते. तीनों इंडिविजुअल यहाँ पे दिखा, पी में सीधा चला गया, क्यू में आधा बेंड हो गया और एस में, तो पी क्यू और एस, ठीक है. आप 45 डिग्री और 90 डिग्री पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके 45 डिग्री पे ये बेंड हुआ और 90 डिग्री पे ये बेंड हुआ. तो पी क्यू एस ये ट्रैप्स होते हैं. दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, यूज के आधार पे तीन टाइप के होते हैं, फ्लोर, गली और इंटरसेप्टिंग ट्रैप. फ्लोर ट्रैप को ही हम नानी ट्रैप बोलते हैं. और फ्लोर ट्रैप क्या होता है, यूज टू एडमिट वेस्ट वाटर सलेजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम्स, किचन, बाथरूम एटसेट्रा. इन द सेड रूम ड्रेन सलेज पाइप, दीज आर इनवेरिएबली प्रोवाइडेड विद कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड और स्टेनलेस स्टील ग्रेटिंग्स, जालीज एट द टॉप सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉलिड एंड लार्जर स्टिकी मैटर इन टू द ड्रेन पाइप टू अवॉइड फ्रिक्वेंट ब्लॉकेज. और ये है नानी ट्रैप बोलिए आप इसको, या फिर फ्लोर ट्रैप बोलिए. तो दिस इज द नानी और फ्लोर ट्रैप. इसमें क्या होता है, यहाँ पे पानी आता है नीचे, ये वाटर सीलेज है, यहाँ से ये चूंकि ये हाइड्रोलिक एक्शन है, यहाँ से ये पानी क्या करेगा, फाउल गैस को रोकेगा. और ये एगे ट्रैप है और ये जाएगा किसमें, हाउस ड्रेन में, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. नानी ट्रैप इज प्रोवाइडेड, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो ये है एट द जंक्शन ऑफ ईच हाउस ड्रेन, एट द जंक्शन ऑफ हाउस सीवर एंड म्यूनसिपल सीवर, एट द जंक्शन ऑफ टू हाउस ड्रेन, एट द आउटफॉल एंड नहीं एट द हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन. ये हाउस ड्रेन में काम आता है और हर एक हेड पे प्रोवाइड करते हैं.
नेक्स्ट है, इन द लेवलिंग एक्सरसाइज है, हम लेवलिंग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर टेकन ऑन द चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने ट्राइपॉड लगाया, इंस्ट्रूमेंट लगाया डंपी लेवल, और यहाँ तक साइट विजिबल है प्रॉपरली, और यहाँ तक हमने रीडिंग सारे ले लिए। तो याद रखना लेवलिंग में सबसे पहला जो रीडिंग होता है वो होता है बैक साइड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंचमार्क पे, हम बेंचमार्क हो या प्रीवियस स्टेशन हो वहाँ पे हम बैक साइड लेते हैं। स्टार्टिंग स्टेशन सबसे पहली रीडिंग बैक साइड कहलाती है। उसके बाद या तो अगर बहुत सारी रीडिंग आगे ले सकते हैं तो पहला साइट इंटरमीडिएट होगा, सेकेंड भी इंटरमीडिएट साइट होगा, लास्ट जो रीडिंग होगा, लास्ट रीडिंग बिफोर चेंजिंग द पॉइंट इज कॉल्ड फोर साइट, और इससे पहले सारे इंटरमीडिएट साइट होंगे, बीच वाले लास्ट साइट इज फोर साइट। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो मैं ट्राईपॉड को अगेन यहाँ पे लगाऊंगा, और अगेन ट्राईपॉड को यहाँ पे लगाने के बाद फिर से मैं बैक साइड लूंगा, और फिर से वही प्रोसेस, ये इंटरमीडिएट साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर जहाँ पे लास्ट होगा जिसके बाद हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये सब इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगे, और ये लास्ट में फोर्थ साइड कहलाएगा, फिर यहाँ पे चेंज पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे बैक साइड, फिर ये इंटरमीडिएट, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन साइड होता है चेंज पॉइंट पे, तो फोर्थ साइड एंड बैक साइड, चेंज पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड का कोई रोल नहीं, तो ओनली वन एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। बैड रेंजिंग मीन्स क्या है, रेंजिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम सर्वे लाइन पे रेंजिंग करते हैं, यहाँ पे रेंजिंग, रेंजिंग लाइन रेंजर से, यहाँ पे हमें लाइन रेंजर हमने देखा और दूसरा रेंजिंग रॉड यहाँ पे है, तो उसको हम रेंजिंग करते हैं ताकि वो रेंज में आए, और लाइन रेंजर से 90 डिग्री पे आप दूसरे रेंजिंग रॉड को साइड करके उसको प्रॉपरली सर्वे लाइन आप प्लॉट करते हैं। तो कह रहा है कि अगर बैंड रेंजिंग कर रहे हैं, रेंजिंग में हमें डिफिकल्टी आ रही है और हम डेविएट हो रहे हैं, उससे एरर कैसा होगा, मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या कर सकते हैं, सही रेंजिंग करेंगे, सही से ज़्यादा अच्छे तो नहीं जा सकते, सो कॉम्युलेटिव तो हमेशा ही रहेगा, कंपनसेटिंग तो हो ही नहीं सकता किसी भी नेचर में, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही करेंगे तो उस केस में तो कंपनसेट तो हो ही नहीं सकता, और हल्का सा भी गड़बड़ करेंगे तो वो एक्यूमुलेट ही होता जाएगा, तो पहली बात ये कंपनसेटिंग तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक। तो कॉम्युलेटिव, 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 ये तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब है कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसा हो ही नहीं सकता, निगेटिव साइड ये जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑलवेज एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा और करेक्शन हमेशा इसका नेगेटिव रहेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉम्युलेटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव। एरर याद रखना ये एरर है, अगर इसके लिए हम करेक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज, दिस इज नॉट चेंजेबल। नेक्स्ट इज, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, आई इज द स्टेरिया हेयर इंटरवल, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस एंड द एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट, देन मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। देखिए मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट और एडिटिव कॉन्स्टेंट जनरली हम टैक्यूमीटर में यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कि एडिटिव कॉन्स्टेंट, एडिटिव कॉन्स्टेंट, एडिटिव कॉन्स्टेंट क्या होता है एफ प्लस डी, और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट एफ अपॉन आई। तो एडिटिव वाले में तो सिंपल है, एड ही करना है हमें एफ प्लस डी, और इसकी वैल्यू जनरली 100, सॉरी इसकी वैल्यू जनरली 0 होती है, ठीक है। एनालिटिक लेंस है अगर तो 0 है, अगर थियोडोलाइट हम यूज कर रहे हैं तो उसके समय फाइंड करना होता है, ठीक है। एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू एफ अपॉन आई की वैल्यू एनालिटिक लेंस के लिए 100 होती है। अगर हम थियोडोलाइट यूज करें तो उस केस में ना ये 0 होगा ना ही ये 100 होता है, ये कुछ और आता है। अगर एनालिटिक लेंस हम यूज कर रहे हैं, एनालिटिक लेंस एक एडिशनल लेंस होता है जो कि हम ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस के अलावा लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो यही पूछ रहा है इसमें कि मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट पूछा है तो एफ अपॉन आई, तो एफ अपॉन आई ये हो गया मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, और ये किसका फॉर्मूला है, एडिटिव कॉन्स्टेंट का। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए। इससे हम क्या करते हैं, टैक्यूमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस हम दोनों फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। एनालिटिकल लेंस प्रोवाइडेड इन द टैक्यूमीटर इज, अभी मैंने डिस्कस किया, ये लेंस है, अगर यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे आई पीस है, और ये ऑब्जेक्टिव है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, तो बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका काम क्या होता है, एडिटिव कॉन्स्टेंट, एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू को 0 करना और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को 100 करना, जिससे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, के एस प्लस सी, और के कितना है यहाँ पे, 100
इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस सी एडिटिव कॉन्स्टेंट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट। तो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यही है मेन पर्पज। तो एनालिटिक लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज ए स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस फिटेड विद बिटवीन द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आईपीस, दोनों के बीच में होता है एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास। ये भी याद रखिए कि कहाँ से होता है फिक्स डिस्टेंस पे, इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ग्लास से फिक्स होती है, आईपी से फिक्स नहीं होती, ऑब्जेक्ट ग्लास से फिक्स होती है। इनसाइड द टेलीस्कोप द टैक्योमीटर द फंक्शन ऑफ द लेंस इज टू रिड्यूस द स्टेरिया कॉन्स्टेंट टू जीरो। कौन सा, एडिटिव कॉन्स्टेंट। स्टेरिया कॉन्स्टेंट ऑफ वॉट, एडिटिव कॉन्स्टेंट, नॉट मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को ये क्या करता है, 100 कर देता है। नेक्स्ट है घाट रेसर इज एन। तो ये साइलॉन घाट रेसर क्या ये है, ये पहले यूज होता था, अब के डेट में इसको हम यूज नहीं करते हैं। इसका काम क्या है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट ग्रेडियंट कंटूर। ये क्या करता है, ग्रेडियंट फाइंड करता है, स्लोप फाइंड कर देता है। लोकेटिंग पॉइंट ऑन अ गिवन ग्रेडियंट इन द प्राइमरी सर्वे ऑफ द हिल रोड एंड ऑल्सो मेजरिंग द एंगल ऑफ स्लोप कंप्लीट इन वुडन बॉक्स विथ टारगेट एंड पोल। तो एक टारगेट होता है, एक पोल होता है, उससे हमें क्या देता है ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोले या फिर स्लोप आप बोलो, ये स्लोप मेजर करके देता है, थीटा की वैल्यू मेजर करके देता है। तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। प्लान इनलार्जिंग के लिए क्या होता है, पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ यूज होता है। और एरिया मेजरमेंट के लिए क्या होता है, प्लानीमीटर, प्लानीमीटर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के नाम से आप याद रखिए। द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ 0.3 मीटर ऑफ वाटर। तो यहां पे देखिए हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर की वैल्यू आपको यहां फाइंड करना है, तो पी इज अननोन हियर। रो हमें पता है कितनी होती है वाटर की, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको यहाँ पे ऑप्शन सी मिलेगा आंसर। किलोग्राम फोर्स क्या होता है, किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या है, हम जानते हैं कि एफ बराबर एम ए, तो ये एम ए, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स, इन तीनों को सम करेंगे तो ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन। तो एम ए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों ही डायरेक्शन में जो हमें फॉर्मूला मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन का, वो इन तीनों फोर्स का सम है, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन विच इज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ विस्कस फ्लो, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर विस्कस फ्लो जिसमें विस्कोसिटी हो, ठीक है, तभी यहाँ पे विस्कस फोर्स का कंसेप्ट आया, यहाँ पे विस्कस फोर्स का एक कंपोनेंट आया। द हेड लॉस इन द टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप वेरीज। हेड लॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर ओवर 2 GD। तो V के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे वेरीज अप्रोक्सीमेटली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे आपको याद रखना है इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली करना है, और ये है हेड लॉस का फॉर्मूला। और आपको याद रखना है टर्बुलेंट फ्लो में हेड लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।